बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, अच्छा प्यार मोहब्बत बनाएं कबूतरबाजों से, कबूतरों के लिए उठ बैठ ना करें। अगर आप भाईचारा बना के रखेंगे तो नस्ल आपके पास में ऑटोमेटिक हट्टी होगी, और आप सिर्फ कबूतरों के लिए ही उठ बैठ बनाएंगे तो वो चीज़ आपकी गलत है, तो आप कभी कबूतरबाजी कर ही नहीं सकते, नहीं आप कबूतरबाजी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर भाईचारा बरकरार रहेगा तो ऑटोमेटिक नस्ल बनेगी। देखो आप सब जानते ही हैं, मेरा जो भाईचारा मन्नू भाई से था, मन्नू भाई से जरिए काफ़ी ज़्यादा लोगों से हो गया, तो सबसे नस्ल इकट्ठी हुई, और आज की डेट में मेरे पास में ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, बहुत एक से एक बढ़ के नस्ल है जो मैं खुद घर में ब्रीड तैयार कर रहा हूँ। आप जीवन में कभी कबूतर नहीं बना सकते जब तक आपके पास में भाइयों का सपोर्ट, भाइयों का प्यार नहीं होगा। तो किसी भी मेरे भाई की जानकारी अगर पंजाब में नहीं होगी तो नस्ल तो आपके पास में आ ही नहीं सकती, किसी भी कीमत पर नहीं आ सकती, ठीक है। पहली बात तो ये, हाँ दूसरी बात यह, पैसा दिखा सकती है, इस बात को मानूंगा, पैसा मुँह मांगा दोगे तो चीज़ आपके पास में ज़रूर आएगी, ठीक है। और उससे भी बढ़िया चीज़ आपको भाईचारे में प्यार में मिल जाएगी अगर आपकी जानकारी अच्छी होगी तो। मेरा खुद मानना यह है बंदे का मिलनसार होना चाहिए, मैं आपसे कबूतरों का क्या है, जब आपका हमारा मेलजोल बना रहेगा तो कबूतर तो खुद ही ऑटोमेटिक अच्छे बन जाएंगे आपके पास, ऑटोमेटिक, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, बस भाईचारा अपना बरकरार बना रहे, इससे ही आपके कबूतर अच्छे बन जाएंगे दोस्तों। इस हाई लेवल इतना हो चुका है कि पूरा पूरा दिन उनों का कबूतरों में जाता है, वो नस्ल बनाते हैं, नस्ल बना के तैयार करते हैं, उनको उड़ाते हैं और मैच जीतते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बाजियाँ पंजाब की सबसे बड़ी बड़ी बाजियों में एंट्रियाँ करते हैं और उनको जीतते भी हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, मैं आपका दोस्त आसिफ चौधरी और सही भाई को अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, एक और वीडियो के साथ आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों जो हम पंजाब गए थे उसके बारे में आपको थोड़ी स्टोरी बताएंगे, पंजाब की कैसा हमारा सफ़र रहा, क्या किन लोगों से मिले, क्या हमें जानकारी ऐसी इकट्ठी करी जो आपके सामने वीडियो लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके सामने आनी बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, ठीक है। हमारे यूपी के, हरियाणा के बंदे जो और बाकी स्टेट के बंदे हैं उनको इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है, तो सोचा आप लोगों के सामने वीडियो ज़रूर बनाऊँ मैं, ताकि भाइयों के समझ में आ पाए कि कबूतरों जो हमारा शौक है वो कितना हाई लेवल हो चुका है, ठीक है। तो जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई हमारे चैनल पर दोस्तों आप पहली बार आए हैं ना, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, आसिफ चौधरी व्लॉग, इधर देखिए नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा आता है, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली वीडियो आप तक पहुंचा करेगी सबसे पहले। जिन भाइयों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें दोस्तों, धीरे धीरे इंस्टाग्राम हमारा पेज आ रहा होगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखा है आसिफ चौधरी पिजन्स। तो बाकी दोस्तों पंजाब गए थे हम, तकरीबन अपना एक हफ्ते का टूर रहा पंजाब का, बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा, अपने मन्नू भाई से मिले, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार करा भाई ने, भाई ने अपने ग्रुपों में घुमाया अपने भाई लोगों के साथ में, भाई अपना विक्रम संधु भाई के पास में गए, भाई ने बहुत अच्छा अपनी इज्जत रखी, मान सम्मान करा जी, और अपना इंद्रजीत भाई जलंधर वाले उन्होंने बहुत इज्जत कराई जी, प्यार करा। बाकी ऐसी और भी भाई हैं जिनों के नाम मेरे ध्यान में नहीं है, चीना भाई ने भी दोस्तों बहुत मान सम्मान करा, सब भाइयों का पहले तो दिलों से धन्यवाद करता हूँ जी मैं, आप लोग देखो मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, अपने कबूतरों को आपने अच्छी तरीके से शौक कराया कि मुझे एक तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं बाहर बैठा हुआ हूँ, मुझको ऐसा लगा कि मैं अपने घर पर ही हूँ, ठीक है। तो जो हमारे बड़े भाई मन्नू भाई हैं उनों के साथ ही सब उनों के ग्रुपों में हम दोस्तों घूमे थे। तो वहाँ दोस्तों देखो मैं आपसे एक बात शेयर करना ये चाहता हूँ, सबसे पहले एक तो जो हमारा शौक है ना, ये हमारा शौक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ये शौक इतना बढ़ चुका है, इस हाई लेवल शौक हो चुका है ये हमारा, अब ये शौक वो नहीं रहा जो अब से पहले था, जो कबूतरबाज लोग ये कहा करते थे जी क्या तू कबूतर उड़ा रहा है, क्या कबूतर उड़ाता रहता है पूरे दिन, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तेरी बर्बाद हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, ये बहुत शौक अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ आज के दौर के हिसाब से दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि कबूतरबाज बंदा बहुत आगे निकल चुका है कबूतरबाजी की लाइन में। इसमें कबूतरबाजी में दोस्तों देखो पैसा भी है, इज्जत भी है, अपना शौक भी है, ठीक है, तीनों चीज़ अगर बंदा शौक कर रहा है तो देखो कारोबार तो अपना है ही जो अलग होता है, ये नहीं कि तुम खाली कबूतर से कारोबार कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं कह रहा मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कबूतरबाजी आपको कुछ दे नहीं रही, कबूतरबाजी बहुत हाई लेवल की पहुंच चुकी है। अगर आप पंजाब से एक अच्छा जोड़े की कीमत ले सोचोगे ना, आपके एक अच्छा जोड़ा मिल जाए पंजाब से, क्योंकि हमारी तरफ के बंदों को इतना पता नहीं है, जो पंजाब जाते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, जो है अगर एक अच्छा जोड़ा आप लेते हैं 50 से नीचे का नहीं मिलेगा आपको जोड़ा, 50 से मतलब समझ जाएं आप, ठीक है, तो बहुत नॉर्मली रेट बताया मैंने आपको, और बहुत ही चंगा जोड़ा, बहुत सुपर हिट जोड़ा लेंगे तो दो से नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है। बेहतरीन नस्ल का कबूतर, जो भाई लोग 10 या 20 हज़ार के कबूतर सोचते हैं हम लेके कबूतरबाज बन जाएंगे, हम नस्ल बना लेंगे, या
10-20 हज़ार तो बहुत ज़्यादा बता दिए मैंने, उससे नीचे नीचे उस लोग सोचते हैं हम नस्ल बनवा देंगे या बना लेंगे, बहुत इम्पॉसिबल है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉसिबल। आप जीवन में कभी कबूतर नहीं बना सकते जब तक आपके पास में भाइयों का सपोर्ट, भाइयों का प्यार नहीं होगा। तो किसी भी मेरे भाई की जानकारी अगर पंजाब में नहीं होगी तो नस्ल तो आपके पास में आ ही नहीं सकती, किसी भी कीमत पे नहीं आ सकती, ठीक है। पहली बात तो ये। हाँ, दूसरी बात ये, पैसा दिखा सकती है, इस बात को मानूंगा, पैसा मुँह मांगा दोगे तो चीज़ आपके पास में ज़रूर आएगी, ठीक है। और उससे भी बढ़िया चीज़ आपको भाईचारे में, प्यार में मिल जाएगी अगर आपकी जानकारी अच्छी होगी तो, ठीक है दोस्तों। तो ये शौक इतना बढ़ चुका है दोस्तों, मैं आपको कह बता नहीं सकता, लोगों ने ना अपनी ज़िंदगियाँ निकाली हैं चीज़ के पीछे, मतलब पूरे दिन उनका कबूतरों में जाता है, पूरा पूरा दिन, इतना शौक बढ़ गया भाई, इस हाई लेवल इतना हो चुका है कि पूरा पूरा दिन उनका कबूतरों में जाता है। वो नस्ल बनाते हैं, नस्ल बना के तैयार करते हैं, उनको उड़ाते हैं और मैच जीतते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बाजियाँ, पंजाब की सबसे बड़ी बड़ी बाजियों में एंट्रियाँ करते हैं और उनको जीतते भी हैं, ठीक है। तो ये शौक इतना बढ़ गया दोस्तों, ठीक है, मतलब कि बंदा अगर यहाँ से जा रहा है ना कबूतर लेने के लिए, उसका भाईचारा, उस बातचीत बनी हुई है उसकी बढ़िया, तो उसको कबूतर बहुत अच्छा मिलेगा, चंगा मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई मुझबाल बंदा, मान लो कोई और, मैं कुछ नहीं जानता, मान लो मैं पंजाब जा रहा हूँ, अगर आपको किस्मत ही अच्छी हो तो आप अच्छे आदमी से टकरा गए तो आपको चीज़ मिल जाएगी, नहीं तो आप धक्के खा खू के वापसी घर आ जाओगे, ठीक है। बहुत से भाई लोग ये सोचते हैं, आसपास के हमारे इलाके के भी, आपके भी सोचते होंगे, जी मैं तो पंजाब से कबूतर लाया हूँ, पंजाब के तो मेरे दड़बे में भर रहे हैं कबूतर, पंजाब के तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कबूतर हैं। भाई पंजाब में तुम असली कबूतरबाजों के पास ही नहीं गए अभी, आप उन के पास ही गए होगे जो सिर्फ लेवा बेची का काम करते हैं, आसपास से खरीदे हल्के कबूतर आपको दे दिए 1,500 रुपये में, आप सिर्फ वो कबूतर ला के अपना मन खुश करते हैं। देखो पहली चीज़ पंजाब की, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी भी अनजान आदमी को तो घर में नहीं घुसाते, कबूतर का शौक नहीं कराते। देखो ये चीज़ में बुरा मानने की कोई बात नहीं है, उनकी अच्छी बात है, दड़बे के अंदर बीमारी आती हैं, ठीक है, बीमारियाँ जाती हैं कबूतरों के अंदर, कबूतर आदमी किस निगाह का बंदा है, चोरी चकारी का दिक्कत, क्योंकि लोगों की 10-10, 20-20 साल की मेहनत है, 10-10, 20-20 साल की मेहनत उन कबूतरों के ऊपर, अरे एक बंदा आके उनकी पूरी मेहनत पे झाड़ू फेर जाएगा तो अच्छा नहीं लगता ऐसे जो है, ठीक है। तो मुझे यहाँ जाके, देखो मैं काफ़ी टाइम से जा रहा हूँ, मुझे आज रेन तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं पंजाब जाते जाते, तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, मुझे लोग शुरू से बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। देखो मैं वहाँ से कबूतर लेके आता हूँ और मैं अपने यहाँ बच्चे करवाता हूँ, नस्ल सेल करता हूँ, लेकिन वो बुरा नहीं मानते, उनको पता है कि आसिफ बंदा क्या है, आसिफ बंदा हमारे लिए क्या है, मैं उनके लिए क्या हूँ, वो इस चीज़ का कोई बुरा नहीं सोचते, अगर वो बुरा सोचते तो वो मुझे कबूतर ही नहीं देते, ठीक है। और मैं क्या लाया हूँ वहाँ से पंजाब से दोस्तों, मैं ज़्यादा कबूतर नहीं लेकर आया, मेरे जो 2-3 कबूतर बड़े कबूतर हैं उनकी जो मादनियाँ थी वो रिटायर हो चुकी थी, तो भाई मेरा इंद्रजीत जलंधर वाले भाई के पास में 2-3 कबूतरियाँ भाई से ली हैं, बाकी 1-2 जोड़ा भाई मन्नू ने अपनी तरफ से मुझे गिफ्ट करा था कि आसिफ भाई आप आए हो तो उनको ले जाओ, उनका शौक करो, ठीक है। तो वो भी किसी वीडियो में आपको जो है शौक करा देंगे उस चीज़ का भी। तो पंजाब वाले बंदे दोस्तों बहुत अच्छे हैं, बहुत सुपर हिट बंदे हैं, ठीक है, लेकिन ये अगर आप उनके ऐसे में सियान पत करेंगे, तेज बंद करेंगे, वो लोग समझ जाते हैं कौन बंदा कैसा है, उसको जब भी वो घर में लेकर जाते हैं, जब भी उसको चीज़ देते हैं उसी हिसाब से, ठीक है। तो उनकी कोई गलती नहीं होती, हम जैसे कहते हैं जी पंजाब से कबूतर नहीं मिल रहा, वो अपने कबूतर नहीं दिखाते, भाई वो सही नहीं दिखाते भाई, बीमारी आएगी, चोरी चकारी होगी, आपका क्या, आप तो गए देखे बीमारी घुस गई, उसकी तो बनी बनाई मेहनत चली जाएगी ना भाई, 10-15 साल की अगले की मेहनत है उसकी, तो वो चली गई, अब वो चली गई तो उसका सब कुछ खेल खत्म हो गया, आप तो देख के बीमारी छोड़ के अपने घर आ गए, बंदा वो परेशान हो रहा है पंजाब के अंदर इसके, आप कबूतर को सूख करके आए या चुर गए उसके या बीमारी पड़ गई। तो इसलिए मेरा खुद मानना ये है, बंदे का मिलनसार होना चाहिए, मैं आपसे कबूतरों का क्या है, जब आपका हमारा मेलजोल बना रहेगा तो कबूतर तो खुद ही ऑटोमेटिक अच्छे बन जाएंगे आपके पास, ऑटोमेटिक, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, बस भाईचारा अपना बरकरार बना रहे, इससे ही आपके कबूतर अच्छे बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो पंजाब की तारीफ में मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा दोस्तों, बाकी यही है, पंजाब का शौक बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है, नस्ल बहुत महंगी हो चुकी है, अगर नस्ल आपको प्राप्त करनी है तो देखो पैसा तो खर्च करना पड़ता ही है, और वहाँ जो कीमत है आसमान छू रही है कबूतर की, सही छू रही है भाई, उनके 10-10, 20-20 साल की मेहनत है, वो इस मेहनत को कैसे ख़राब कर दें, वैसे कैसे लुटा देंगे भाई, कोई नहीं लुटाता अपनी मेहनत को, हमारी यूपी की तरफ इधर किसी बंदे के पास में अच्छा कबूतर होगा ना तो कोई देगा नहीं, किसी बंदे को किसी कीमत पर नहीं देगा, और नहीं उसको दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा भाई, सबका अपना अपना हिसाब है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को जो है, तो हम किसी को कभी बुरा नहीं कह सकते दोस्तों। तो बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, अच्छा प्यार मोहब्बत बनाएं कबूतरबाजों से, कबूतरों के लिए उठ बैठ ना करें, अगर आप भाईचारा बना के रखेंगे
तो नस्ल आपके पास में ऑटोमेटिक हट्टी होगी। और आप सिर्फ कबूतरों के लिए ही उठवैट बनाएंगे तो वो चीज़ आपकी गलत है, तो आप कभी कबूतरबाजी कर ही नहीं सकते, नहीं आप कबूतरबाजी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर भाईचारा बरकरार रहेगा तो ऑटोमेटिक नस्ल बनेगी। देखो आप सब जानते ही हैं मेरा जो भाईचारा मन्नू भाई से था, मन्नू भाई से जरिए काफ़ी ज़्यादा लोगों से हो गया, तो सबसे नस्ल इकट्ठी हुई और आज की डेट में मेरे पास में ऊपर वाले का लाख लाख सुअर है, बहुत एक से एक बढ़ के नस्ल है जो मैं खुद घर में ब्रीड तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दे अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों में। बाकी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।